दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज है 1 अप्रैल। स्कूल में हम इसे अप्रैल फूल डे के तौर पर मनाते थे, अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाते थे। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में तो जानते ही हैं आप किस चीज़ का क्या ही बना दिया जाता है। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों और लोगों ने अप्रैल फूल डे को मोदी दिवस का हैशटैग बनाकर तरह तरह के ट्वीट्स और पोस्ट शेयर करने शुरू कर दिए। जैसे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ये पोस्टर जारी किया जिसमें मोदी जी को सबके खाते में 15 लाख आने का वादा करते हुए दिखाया गया है और बाद में इसे जुमला बताया गया है। ऊपर लिखा है, कमल का फूल बनाए फूल। वहीं एक यूजर ने तो एक टेक्स्ट मैसेज का मीम बना डाला जिसमें अकाउंट में 15 लाख आते हुए दिखाए गए हैं और उसमें लिखा गया है कि 15 लाख आए पीएम काला धन के नाम से। वहीं प्रवीण नाम के यूजर लिखते हैं, आप सबको मोदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं बीआरएस ने एक ट्वीट में मोदी जी के इर्द गिर्द बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ नौकरियां और किसानों की आय दुगनी जैसे मोदी जी के बहुत पुराने वादे जो आज तक अधूरे हैं उन्हें याद दिलाते हुए कहा, अगर जनता को बेवकूफ बनाना एक कला है तो मोदी जी इसके पिकासो हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी मोदी जी के अधूरे वादों की लिस्ट जारी करते हुए कहा, मेक इन इंडिया फूल्ड, स्मार्ट सिटीज फूल्ड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फूल्ड, स्टार्टअप इंडिया फूल्ड, नमामि गंगे फूल्ड वगैरह वगैरह। वहीं ललित नेगी नाम के यूजर ने लिखा, 2 फूलों से हमेशा सावधान रहना, एक तो अप्रैल फूल और दूसरा कमल का फूल, क्योंकि दोनों ही बेवकूफ बनाते हैं। नीचे देखिए पूरी एक लिस्ट है जिसमें वो तमाम बातें हैं जो मोदी जी ने और कभी उनके मंत्रियों ने कभी ना कभी इन 8 सालों में 8 साल से पहले बोली थी, वही काला धन, वही 15 लाख, वही स्मार्ट सिटी वगैरह वगैरह। तो कुछ इस तरह से राजनीतिक दलों और आम लोगों ने भी अप्रैल फूल डे को मोदी दिवस के तौर पर मनाकर अपनी कलाकारी दिखाई। कुछ ने मीम्स के तौर पर, किसी ने मोदी जी के अधूरे वादों की लिस्ट जारी करके। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे ना एक नया ट्रेंड भी सामने आया है जो जिस पर आपको गौर करना चाहिए। जैसे ये जो मोदी जी के वादों के ट्रेंड्स हैं, हैशटैग्स हैं, ये पिछले 1.5-2 सालों में काफ़ी बड़े हैं। हर साल मोदी जी का जन्मदिन आता है, लेकिन पिछले 2 सालों में अगर आप गौर से देखें तो मोदी जी के जन्मदिन के दिन जुमला दिवस ट्रेंड करवाया जाता है और टॉप ट्रेंड्स में से होता है, कई लाख ट्वीट्स किए जाते हैं। सुनने में ये बहुत मजाकिया लगता है, ये मीम्स बहुत फनी लगते हैं, लेकिन जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन इनके सर्कुलेशन बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये 2024 से पहले मोदी जी के लिए खतरे की घंटी क्या साबित हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।